दोस्तों आईटेल का पैड 1 सिंगल वेरिएंट के साथ लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे फीचर्स के साथ प्राइस को भी काफी ध्यान में रखा गया है। आईटेल पैड 1 में काफी कुछ आपको अपग्रेडेशन देखने को मिल सकता है एक नए डिजाइन के साथ, और यहाँ पे 3 कलर के साथ लॉन्च हुआ है और सिंगल वेरिएंट में है, प्लस वाईफाई है, 4G के साथ वाईफाई है, इनबिल्ट है, और बैटरी की बैकअप अगर बात करें तो काफी बड़ी सी दे रखी है। लेकिन वहीं पे देखा जा रहा है कि इसका जो एंड्रॉयड है और बाकी फीचर्स हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कमी है एज पर प्राइस। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा 1x1 करके जो काफ़ी कमाल के इसके फीचर्स हैं। दोस्तों आईटेल का पैड 1 में जो लॉन्च हुआ है वो एंड्रॉयड 12 गो एडिशन पे काम करता है, जिसमें गूगल गो ऐप्स भी डाउनलोड व इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप्स कैम रैम स्टोरेज के साथ साथ है, प्रोसेसर है, इंटरनेट डेटा व बैटरी की खपत काफ़ी कम करती है। प्रोसेसिंग के लिए आईटेल पैड 1 में यूनिसोक SC अक्टा कोर का प्रोसेसर दे रखा है। फोटोग्राफी के लिए जहां हम बात करें तो बैक पैनल पर LED फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, क्योंकि वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस में 8 मेगापिक्सल का कैमरा का सपोर्ट है। पावर बैकअप के लिए इसमें आईटेल पैड 1 में 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 10W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। अब इस टैबलेट में 3.5 mAh का OTG का सपोर्ट है, जो कि हम अगर बात करें इसके लॉन्च ऑलरेडी हो ही चुका है और 6000 mAh की बैटरी के साथ है। प्राइस की जहां तक बात करें इसमें तो 12,000 रुपये के आसपास में है। बैटरी की बैकअप पैड के हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन वहीं पर जिस हिसाब से इसका फीचर्स किया गया है बैटरी की कम खपत दे रखी है। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी चीज़ें यहीं तक की थी। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।